NH28 यानी कि हाईवे के बगल या साइड में या बीच में कनेर का पेड़ लगाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? आप इसके वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। देश में अगर आप कंपनी बैठा रहे हैं तो आपको टैक्स देने का कोई उसे रूल नहीं है, यानी कि वहाँ का सरकार का रूल है कि आप कोई भी बिजनेस कंपनी बैठाए आपको टैक्स देने का कोई नियम नहीं है, आप वहाँ पर टैक्स नहीं दे सकते हैं। किस देश में? दुबई के सरकार ने यहाँ लागू किया हुआ है कि हमारे देश में कोई भी कंपनी बिजनेस कर रहा है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरे वीडियो अच्छा लगा, अगर आप एक घंटे के लिए ईयरफोन यानी कि हेडफोन अगर लगा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, क्या इससे फायदा है? जी मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक घंटा के लिए ईयरफोन लगा रहे हैं तो आपको 700 गुना बैटरिया बढ़ जाएगा। जी हाँ, मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मैं चाहिए। बच्चे एक मिनट में कितने बार अपने पलके झपकाते हैं आँख का? और जो एक व्यस्त आदमी यानी कि मनुष्य जो काम करता है वह कितने देर तक अपने पलके झपकाता है, एक मिनट में कितने बार? जी हाँ, एक शिशु एक मिनट में 1 से 2 बार पलके झपकाता है, जबकि एक व्यस्त आदमी एक मिनट में लगभग 10 बार पलके झपकाता है। मेरे वीडियो अच्छा, यानी हिस्ट्री, जिससे कि हमको पता चलता है कि इतिहास से कि रामायण किस प्रकार से हुआ, महाभारत किस प्रकार से हुआ, भारत में कौन कौन से व्यक्ति आज़ादी के लिए लड़े, या जो भी हमको पता चलता है इतिहास से ही पता चलता है। इसका जनक, इसे शुरुआत कौन सा व्यक्ति ने किया, इस व्यक्ति का क्या नाम है? इस व्यक्ति का नाम है हीरोटोटस। हीरोटोटस ने इतिहास का जनक कहता है, जो कि इतिहास को आगे लेके आए, उससे जन्म दिए। मेरे वीडियो अगर अच्छी, स्वामी विवेकानंद का पहले कौन था नाम था, जो कि उनका मूल नाम है, यानी कि वास्तविक नाम पहला वही है जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद से वह प्रचलित हुए, उनका पहला नाम क्या है? जी हाँ, उनका पहला नाम नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद का पहला नाम था। मेरे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो हिंदू धर्म को आगे लेकर आया, जो आज़ादी के बाद भारत आगे विकसित करने लगा, तो हिंदू धर्म को आगे कौन बढ़ाया, यानी कि हिंदू धर्म को कौन सुधारा वो अच्छे तरीका से, उस व्यक्ति का क्या नाम है? जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है, यानी कि कौन सा समाज है जो कि आगे लेकर आया, ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज जो है जो हिंदू धर्म को सुधारे और आगे लेकर आया। प्रथा, सती प्रथा का अर्थ क्या है? सती प्रथा को अंत किसने किया, कौन सा व्यक्ति है जो कि सती प्रथा को अंत किए और सती प्रथा खत्म किए? सती प्रथा का मतलब होता है, यानी कि उसका अर्थ होता है कि पति पत्नी में अगर पति मर जाते हैं तो पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, और पत्नी को उन्हीं के चीते के साथ लेकर पति के साथ पत्नी को भी ढकेल कर उसे जला दिया जाता था, यही सती प्रथा का अंत है, जिसका अंत राजा राम मोहन राय ने अंत किए। मेरे वीडियो आज, आर्य समाज लोग आज कहते हैं कि फलना व्यक्ति आर्य समाज से काम कर रहा है या शादी विवाह कर रहा है, आर्य समाज किसके विरुद्ध यहाँ चला है जो कि आर्य समाज है? जी हाँ, धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसके विरुद्ध आर्य समाज कहता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करें। यहाँ क्या है आर्य समाज, यही है आर्य समाज जो कि विरुद्ध करता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करें, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करें। जो वेद होता है, जो हम लोगों को पूजा पाठ करने के लिए बताता है कि आप इस प्रकार से पूजा पाठ करें, इस विधि से पूजा पाठ करें, इसका पूरा सच्चाई किस व्यक्ति ने लिखा है, उस व्यक्ति का क्या नाम है जो वेद को लिखे हुए हैं, वेद को समझाए हैं पूरे अर्थ अच्छे तरह से, उन व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद द्वारा यहाँ समझाया गया है वेदों को, स्वामी दयानंद द्वारा। हाईवे NH28 के जो आसपास में या बीच में कनेर का पेड़ लगाया जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है कि हाईवे के आसपास में कनेर का पेड़ लगाया जाता है? साइंस इसे क्या प्रूफ किया है, क्यों लगवाते हैं सरकार, आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर जानते हैं 4 सेक्शन में लिखे, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जी हाँ,
ऐसा भी देहाती भाषा में कहा जाता है कि कनेल के पेड़ पर देवी नहीं बैठते हैं, जिसके कारण बस ट्रक को नहीं उल्टाया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन साइंस को द्वारा कहा जाता है कि कनेल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करता है, यानी कि खींचता है, जिसके कारण वातावरण अशुद्धता बना रहे। इसलिए NH28 के बगल में उसे लगाया जाता है कि अधिक गाड़ी चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पाए। मैं वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।